अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITI करना किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और कब ITI करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक तो देखो जो ITI का क्राइटेरिया जो हमारे यहाँ डिसाइड हुआ है कि ITI का जो क्राइटेरिया है ना वो कहीं ना कहीं 10th है और 10th में बहुत सारे लोग हैं जो 10th करके ITI कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर 10th के बाद ITI कर लिया तो कोई गुनाह कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोग 12th के बाद ITI करते हैं, बहुत सारे लोग BA करने के बाद ITI करने जाते हैं। तो क्या BA के बाद ITI करना सही है, कहां तक सही है? मेरे एक सर थे जब मैं 8th में या 9th में पढ़ रहा था तब वो मुझे पढ़ाते थे, BA किया हुआ था उन्होंने नॉर्मल, और वो ITI के एग्जाम एक दो बार दिए तो उन्होंने दोनों बार क्रैक कर दिया। तो पहली बार किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए, सेकंड टाइम उन्होंने ITI में एडमिशन ले लिया था, वो गोरखपुर में ही लिया था उन्होंने ITI में एडमिशन, और आज वो रेलवे में एज ए ड्राइवर जॉब करते हैं, लोको पायलट की जॉब करते हैं। तो वहां पे उनको बेनिफिट क्या हुआ? अब मैं आपको बता दूं, अगर उन्होंने जैसे जब ITI में ना प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में आपको डिग्रियां बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कहीं का भी प्रमोशन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, जो प्रमोशन होता है वो डिग्रियां बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सेम बंदा आपके साथ ITI किया हुआ बंदा गया, एक्सपीरियंस भी है बट डिग्री आप वो ग्रेजुएट होकर के ITI में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, आप 10th करके जॉब ज्वाइन किए हो तो प्रमोशन हमेशा उस ग्रेजुएट बंदे को मिलेगी। इसका कारण, इसका रीजन, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा चीजें जानता है, दुनिया ज्यादा देखा, समझदार है, इसलिए उसको प्रमोशन मिल जाती है और आपको नहीं मिलती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 10th के बाद आप ITI कर रहे हो तो बेकार हो, किसी काम लायक नहीं हो। 10th के बाद ITI कर लिया कोई बात नहीं, उसके बाद आप 12th कर लो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जॉब करते हुए, गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते हुए BSc कर लिया, MSc कर लिया और अपनी प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीजें मेहनत किया, ITI में जॉब करते हुए पॉलिटेक्निक भी कर लिया, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा प्रमोशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि जो लोग 10th में ITI कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन जरूर करें, बहुत फायदेमंद होती है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करेगा आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि आप एक वो होता क्राइटेरिया जहां पे अपना अपने आपको रोक लेते हो कि इससे आगे आपको बढ़ना है तो ये चीज करना पड़ेगा, तो वो चीज हम क्यों ना स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दे। ये कभी ये मत करिएगा कि ITI कर रहे हैं उसी टाइम ग्रेजुएशन करें, ना कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सेम टाइम में आपने ITI किया उसी टाइम में आपने ग्रेजुएशन किया, दोनों में से एक डिग्री वैलिड होती है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेम टाइम में आप 4 डिग्रियां कर ले, अगर आपने 2 का ITI किया उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए तो वो वैलिड होता है, वो वैलिड नहीं होता है कि सेम टाइम में आप ITI कर लो सेम टाइम में ग्रेजुएशन कर लो, तो दोनों में से एक चीज वैलिड होगी, या तो अपना ग्रेजुएशन वैलिड कर लेना या तो फिर अपने ITI की डिग्री वैलिड कर लेना। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि जो दोस्त ITI कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और सर्वेयर, किसी भी ट्रेड से हो, तो वो लोग पहले अपने आप को फिट कर ले जॉब में, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ले। अगर फैमिली का अपना देख करके बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, जॉब जरूरी है या पढ़ना जरूरी है, उस टाइम का सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें। बट एनी हाउ आपको वो चीज करना बहुत जरूरी है जो मैंने अभी पूरी वीडियो में आपको बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और करियर अड्डा चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।